क्या आप यूज करते हो फ्री होस्टिंग? क्या आपने मेरा यही वीडियो देख के किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल अपने फ्री होस्टिंग? क्या है यहाँ पे कुछ फ्री होस्टिंग यूज करने के नुकसान? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष, चैनल तनिष विजय। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो अभी की अभी नीचे तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, सफेदी की चमकान दे दीजिए। उसी के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी एक सफेदी की चमकान जुड़ जाएगी एंड हमारे चैनल को अभी की अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। और जो बगल में जो घंटे का आइकन है उसको दबा के इस नॉलेज के मंदिर में अंदर आ जाइए, क्योंकि हमेशा मंदिर में आने से पहले घंटा तो दबा ही देना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्री होस्टिंग यहाँ पे यूज करते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या आपको फ्री होस्टिंग यूज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस। तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बता दूं आपको फ्री होस्टिंग यूज करने से पहले कि मैंने फ्री होस्टिंग के ऊपर दो पहले से ही वीडियोज और बनाए हुए हैं, उन दोनों के यहाँ पे आप थंबनेल्स देख सकते हैं और इन दोनों का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्री होस्टिंग में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिए, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे क्योंकि एडवांटेजेस तो मतलब कुछ खास होती नहीं। देखो, फ्री होस्टिंग की बात करें जहाँ पे इन्फिनिटी फ्री की फ्री होस्टिंग हमको मिल जाती है जो बहुत ही बढ़िया होती है, यहाँ पे हमको बस एक डिसएडवांटेज मिलता है कि हम जब भी अपना सीपैनल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम होस्टिंग लेते हैं इंस्टॉल करते हैं उसमें वर्डप्रेस, तो हमको कभी कभी वहाँ पे ना मतलब इंस्टॉल करने में एरर शो होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम उसको अभी रीलोड करें मतलब बार बार एक ही चीज़ करते रहे उसके बाद जाके अगर हम मतलब वापस से ट्राई करें करने के लिए, मतलब बड़ा टाइम लग जाता है उसको इंस्टॉल करने में। और अगर हम सी पैनल में जाके, हम प्रो लेवल के बंदे हो, आप सी पैनल वाले काम करते हो, सी पैनल में जा जाके वहाँ पे जो काम होते हैं प्रो ब्लॉगर्स में वो काम करते हो, तो आपको वहाँ पर परेशानी आ सकती है फ्री होस्टिंग में। बट अगर आप मतलब लाइफ टाइम जो मतलब हर चीज़ जो बंदा फ्री दे रहा है, अगर आप उससे होस्टिंग लोगे तो उसका कस्टमर केयर बहुत खराब होगा और आपकी वेबसाइट डाउन रह जाएगी। होस्टिंग लाके जानते हो ना, साले पैसे लेके भी इतना गंदा उनका कस्टमर केयर है, और यहाँ पे तो बिना पैसों के भी गंदा आपको मिल सकता है बाहर ही आराम से। तो मतलब यहाँ पे कस्टमर केयर की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वेबसाइट कभी भी डाउन जा सकती है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि फ्री होस्टिंग मत लो, फ्री होस्टिंग हमको कभी नहीं लेनी चाहिए, बट फिर भी लोग लेते हैं। बट अगर आपको फिर भी लेनी हो तो आप इन्फिनिटी फ्री की लो, ठीक है। और अगर मतलब अपनी वेबसाइट को चेक करते रहो कि मतलब है ना, मतलब आपकी मान के चलते कि हर दिन आपकी वेबसाइट पे 100-200 का ट्रैफिक आता है, एक दिन आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम आया, इसका मतलब आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, होस्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पूरा एनालाइज करो, अगर वो गड़बड़ दिखती है कस्टमर केयर के पास ले जाओ, और अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता होस्टिंग उसी टाइम बदल दो, क्योंकि फ्री होस्टिंग वाले का रिस्पॉन्स आप ना के बराबर ही समझ सकते हो, क्योंकि वो फ्री में दे रहे हैं यार। फ्री की चीज़ फ्री की होती है, और पेड वाली चीज़ जो पैसे जो वो पेड ही होती है, ठीक है। तो भाई, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो आज की वीडियो इतना, तुमको पसंद आया, बाय बाय। ऐसे मेरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी के भी कर दिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।